गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 75 फार्मेसियोलॉजिस्ट के बारे में। तो यार, वेलकम बैक टू 100% टाइल और मैं हूँ आपके साथ में खुशबू वर्मा। तो यहाँ पर हम टॉप 75 फार्मेसियोलॉजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें NIRF रैंकिंग मिली है। तो यार, NIRF रैंकिंग जो होती है वो वन ऑफ द ट्रस्टेड गवर्नमेंट रैंकिंग्स में से है। वहीं पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं यार, जब भी कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को NIRF रैंकिंग मिलती है तो वो कुछ 5-6 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। वो हम पैरामीटर्स बाद में डिस्कस करने वाले। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट कॉलेज से, जो कि है जामिया हमदर्द कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है। अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें सो दैट इज 78.52। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें सो दैट इज 77.99। यार, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया होगा, एंड लेट्स से आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी रहता है नीट में, बट आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सो दिस इज़ योर गो टू ऑप्शन। फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड है। सी यार, आपको क्या लगता है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन तक जो मेडिसिन पहुँचती है या फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है मेडिसिन, तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। काफ़ी सारी प्रोसेस के बाद में हम तक दवाइयाँ पहुँचती है, ठीक है। काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं लेबोरेटरीज में, लेट्स से कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, कई सारे हमारी जो डेली रूटीन होती है, हमने क्या खाना खाया है, हमारी बॉडी में क्या क्या केमिकल्स का इंटेक हुआ है, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देन मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है, डॉक्टर तक पहुंचती है एंड उसके बाद में मार्केट और हम तक इंट्रोड्यूस होती है। सो यार, फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे जो मेडिसिन बनाते हैं, केमिकल्स, ड्रग्स बनाते हैं, ये फार्मासिस्ट ही बनाते हैं। मेरा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ओके, एडजस्ट कर लेना। मूविंग टू आर नेक्स्ट कॉलेज दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस विच बिलानी, वन ऑफ द रेनाउंड एंड फेमस कॉलेजेस फॉर फार्मेसी, जो कि राजस्थान में है। यार, अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें सो दैट इज 75.57, इसको जो है NIRF स्कोर मिला गया है। मूविंग टू आर नेक्स्ट कॉलेज दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पंजाब मोहाली में सिचुएटेड है। वहीं पर अगर हम इसका स्कोर देखें सो दैट इज़ 74.52, इसको NIRF स्कोर मिला गया है। ओके, सो बात करेंगे हम कुछ उन पैरामीटर्स की जो कि NIRF जब स्कोर मिलता है, रैंकिंग मिलता है, तो यार कुछ ऐसे 5-6 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को स्कोरिंग मिलती है। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर देखते हैं दैट इज़ एक्सपोजर, कि कितने सारे फेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कहाँ पर इंटर्नशिप कराई जा रही है स्टूडेंट्स को, वर्कशॉप्स कितनी मिल रही है, कितना ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बच्चे को कितना इन्वॉल्व कराया जा रहा है। दूसरा आपका कैंपस लाइफ हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, फैसिलिटीज़ हो जाती है, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो या कोई भी XYZ फैसिलिटीज़ हो, तो वो सारे बेसिस पे एक एड ऑन हो जाता है कि इस बेसिकली फैसिलिटीज़ के बेसिस पे भी क्या उस कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी का रिव्यू है। 14 नंबर पे आ जाता है आपका डाइवर्सिटी। सी, ये 1, 2, 3, 4 वेरी करता रहता है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। डाइवर्सिटी यानी कि कहाँ कहाँ से बच्चे, ऑल ओवर इंडिया से कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। लेट्स से कोई मध्य प्रदेश का है, कोई पंजाब का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तमिलनाडु का है, तो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पे भी रैंकिंग होती है। देन कम्स योर फैकल्टीज़, कि आपकी फैकल्टीज़ कितनी हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है या नहीं, PhD किया है या नहीं, मतलब कितना उनका हाईली एजुकेटेड है या नहीं, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि आपकी फैकल्टीज़ का कितना एजुकेशन लेवल है। तो ये सारे कुछ 5-6 फैक्टर्स होते हैं। अगेन, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ योर प्लेसमेंट फैक्टर। तो यार, यहाँ पर हम वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज NIRF जो है जब वो रैंकिंग करता है तो वो प्लेसमेंट फैक्टर को स्पेशली एक्सक्लूड करके रैंकिंग करता है, रिव्यू करता है। ओके, सो बट अगर आप चाहते हो कि यार यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें प्लेसमेंट का ज़्यादा फोकस होता है तो वो
वीडियोस भी हमने हमारे चैनल में यू नो अपलोड करके रखे हैं, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें हमने स्पेशली प्लेसमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ को रिव्यू किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम, दैट नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। देन कम्स यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज़ सिचुएटेड इन तेलंगाना हैदराबाद, और इसको 74.08 NIRF स्कोर मिला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि ऊटी में है। देन मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि कर्नाटका में है, और अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें तो दैट इज 67.65। नेक्स्ट हम देखेंगे JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर का। देन कम्स योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। देन कम्स योर अमीरों की यूनिवर्सिटी दैट इज अमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसको 61.48 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर अमृता विश्वविद्यापीठम, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, साउथ में है। देन आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नवाबों की नगरी, यहाँ पर है ये कॉलेज, सॉरी यूनिवर्सिटी, और इसको 60.33 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर वन ऑफ द रिनाउंड एंड फेमस यूनिवर्सिटी, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि मुंबई में है। देन कम्स योर SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। एंड देन कम्स योर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जो कि तमिलनाडु में है, 57.86 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। ऑलराइट, सो यार यहाँ पर हम टॉप 75 फार्मेसी कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, और नीचे दिए गए नंबर्स पे भी आप हमें कॉल करके कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो लाइव सेशंस हैं यार आप वो भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर हम काउंसलिंग करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सी यू इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग टू आर नेक्स्ट कॉलेज, जो कि पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि पुणे में है। देन कम्स योर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी। अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें दैट इज 55.73। देन कम्स योर निर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में है, ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी 55.06। देन आपका आता है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में। यार मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है ये मुझे तमिलनाडु यानी साउथ में है आपकी फार्मेसी की। सो साउथ इज़ अ नाइस प्लेस, वहाँ का वेदर वगैरह अच्छा है, लोग बाग अच्छे हैं, नो हाईली एजुकेटेड पीपल यू आर गोइंग टू मीट, सो अच्छी स्टेट है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। बट जैसे यहाँ पे हम लिस्ट देख रहे थे, यार मैक्सिमम हमें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तमिलनाडु से ही मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ बनस्थली विद्यापीठ, जो कि बनारस आपके राजस्थान में है। देन इसका अगर हम स्कोर देखें सो दैट इज़ 54.21। देन कम्स योर LPU पंजाब की यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देन कम्स योर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो कि गुजरात में है। तो यार एक चीज़ तो है कि फार्मेसी कोर्स करने के बाद में ना यू गेट द लाइसेंस टू ओपन योर ड्रग स्टोर, ठीक है, तो आप एक काइंड ऑफ यू नो डॉक्टर ही बन जाते हो, बिकॉज देन यू गेट द लीगल राइट टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन टू योर कस्टमर्स एंड पेशेंट्स, राइट, क्योंकि आपके बारे में आपको तीन साल, जब आप तीन चार साल प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके पास में एक ओवरऑल नॉलेज आ जाता है कि यार लेट्स से मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर पे, मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को बुखार हो गया या फिर मुझे कोल्ड हो गया है, तो फटाफट मेरे को यू नो दे आर गोइंग टू गिव मी द कोल्ड वाली मेडिसिन हो गया, या फिर जो भी XYZ बुखार की मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर ना आपके पास में लीगली राइट हो जाता है, लाइसेंस मिल जाता है आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन। तो MR जो होते हैं उनका भी यही काम होता है। सो ऑल दीज यू नो आपके पास में एक तरीके से आप डॉक्टर ही बन जाते हो, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू कम एंड आस्क यू कि यार हमें ये चीज़ हुई है तो हम कौन सी मेडिसिन खाएं। तो फार्मेसी इज़ यू नो काफ़ी अच्छी फील्ड है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। यहाँ पे हम स्किल्स भी डिस्कस करने वाले हैं बाद में कि यार कौन कौन सी यू नो टॉप ऐसी स्किल्स होना आप में ज़रूरी है अगर आपको फार्मासिस्ट बनना या फिर आपको फार्मेसी कोर्स करना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट जो है हमारा
दैट इज बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में आमची मुंबई में है। अगर हम इसका एन आई आर एफ स्कोर देखें सो दैट इज गोइंग टू बी योर 53.24 इसको एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची में है, देन योर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हिसार हरियाणा में है, 51.28 इसको मिला गया है एन आई आर एफ स्कोर। देन आता है आपका एस वी केम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, आई एस एफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी विच इज सिचुएटेड इन पंजाब। आगे बढ़ते हैं ए यू कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जो कि आंध्र प्रदेश में, देन कम्स योर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, एंड दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जिसे 50.08 यू नो एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें सो दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता की बात कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे आपको याद होगा तो गुवाहाटी का भी डिस्कस किया है, चेन्नई का भी डिस्कस किया है, देन कमिंग योर कोलकाता। फिर आपका आता है महर्षि मरकानंद देशवर जो कि अम्बाला हरियाणा में है। यार तमिलनाडु के बाद में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पंजाब में भी है फार्मेसी से अगर हम बात करें। सो तमिलनाडु के बाद में यू नो नेक्स्ट मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिख रही है दैट इज़ हरियाणा पंजाब। सो पहले नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, देन पंजाब एंड महाराष्ट्र की भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डू दिस पर्टिकुलर फार्मेसी कोर्स। ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब, अगेन पंजाब में है। देन कम्स योर शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट साइंस। नेक्स्ट इज योर विस्तास यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है, इसे यार 49.08 एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है। यार बात करें हम स्किल्स की यार, तो यू नो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट्स से आपके माइंड में कुछ आया है बट आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही मतलब है। देन आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट यू नो कि यार ये मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, लेट्स से मेरे को लेबोरेटरी में ये जाना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स मैं कर सकता हूँ, क्या मेडिकेशंस में ला सकता हूँ, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जब भी आप यू नो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए यार अपनी बात को। डॉक्टर्स का काम ही यही होता है यू नो पेशेंट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपकी पेशेंट स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है। बिकॉज लेट्स से यार पेशेंट्स तो होते ही ऐसे यू नो एकदम से उग्रवादी हो जाते हैं कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया, डॉक्टर्स को धमकाना एक्स वाई जेड, तो वहाँ पे ना आपको यू नो आपकी ये टेस्ट किया जाता है कि आप में कितना पेशेंट लेवल है। सो यहाँ पे कुछ तीन चार ऐसी स्किल्स है जो कि आप में होना ज़रूरी ही है इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके सो यहाँ पर हमने कुछ तीन चार स्किल्स भी डिस्कस कर ली कि क्या क्या ज़रूरी होता है अगर आपको फार्मेसी करना है, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल, कम्युनिकेटिंग स्किल्स, देन आपका आ गया पेशेंट लेवल चेक किया जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपकी यू नो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने वाली स्किल्स होती है जो आप में होना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें सो दैट इज़ योर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में है, देन कम्स योर डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च विच इज़ सिचुएटेड इन पुणे महाराष्ट्र, देन कम्स योर के एल ई कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलागम जो कर्नाटका में, और इसे 46.26 एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है। ओके सो नेक्स्ट अगर हम देखें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगेन नवाबों वाले शहर में है ये यूनिवर्सिटी, देन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में है, एंड अगर हम इसका स्कोर देखें सो दैट इज़ 45.64 इसको स्कोर मिला गया है। देन फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन कम्स योर श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, एंड अगर हम इसका एन आई आर एफ स्कोर देखें सो दैट इज़ 45.4। ओके सो मूविंग टू आर नेक्स्ट जो कि 45 है, नीटे गुलाबी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो कि कर्नाटका में है, देन कम्स योर किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है महाराष्ट्र में, राइट। देन कम्स योर एल एम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि गुजरात में है 44.77, एंड कम्स योर काकातीया यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना 44.4 इसको एन आई आर एफ स्कोर मिला गया है। सो अभी तक आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू वॉन्ट कि आप नोट डाउन करना चाहते हो उनका रैंकिंग स्कोर या ये किस सिटी में किस स्टेट में है,
यहाँ पर हम 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं, आप प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको पुरानी प्रीवियस वाले स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू नोट डाउन द स्कोर, द सिटी नेम और इंस्टीट्यूट का नाम। स्टिल कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने अभी तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिस्कस कर ली है, टॉप टॉप फार्मेसी यूनिवर्सिटीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक 48 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हम आते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोल्हापुर के बारे में हम बात करेंगे। देन आता है आपका आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे 43.34 NIRF रैंकिंग मिली गई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ इन चंडीगढ़। देन कम्स योर MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, जो कि कर्नाटका में है। देन कम्स योर YB छवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद महाराष्ट्र। देन श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में, और इसका NIRF स्कोर है 42.36। देन कम्स योर राघवेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एंड कम्स योर गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि पणजी गोवा में है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है अमेर साहेब बाबा अजीत सिंह जुजाहर सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। यार बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, जो कि बेला पंजाब में है। यार 42.11 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। देन योर कम्स कुमाऊन यूनिवर्सिटी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, आचार्य BM रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु, अनुराग यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। सो यार अभी तक हमने यू नो मोस्टली 80% कॉलेजेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें से लग रहा है कि यार ये इसका स्कोर है और यू नो किस कॉलेज को मुझे, किस यूनिवर्सिटी को मुझे टारगेट करना चाहिए, एंड लेट्स से आपका मार्क्स भी आ चुके हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा यार अंदर से कि मेरे को यू नो इस कॉलेज में मिल सकता है, इस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। सो अगर आप फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं एंड आपको पता है कि यार ये इस एग्ज़ाम मैंने ये दिया है उसके बेसिस पे मेरे को ये एडमिशन मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी में, अगर आपको कुछ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि यार इसको मुझे टारगेट करना है, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू गो इन दिस PhD कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसके कि यार कौन कौन से इसमें कितने रिक्रूटर्स आ सकते हैं, पैकेज कितना मिल सकता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सेपरेट वीडियो भी बना के दे सकते हैं। यार लेट्स से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम हम कई सारे फैक्टर्स को यू नो मद्देनज़र रखते हुए टारगेट करते हैं, राइट। किसी का प्रायोरिटी होता है प्लेसमेंट फैक्टर, किसी का प्रायोरिटी होता है फैकल्टीज़ कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांट दैट। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि अगेन पंजाब में है। देन कम्स योर PhD कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें, सो दैट इज़ 40.04। देन कम्स योर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि नवी मुंबई में है। सी उषा कॉलेज ऑफ फार्मेसी अगेन विच इज सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। देन कम्स योर मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में, और इसका 39.61 इसको NIRF स्कोर मिला गया है। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल में है। छलापति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि आपका आंध्र प्रदेश गुंटूर में, और इसे 39.47 NIRF स्कोर मिला गया है। देन कम्स योर रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। देन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर राजस्थान में है। और देन आता है आपका विष्णु इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नरसापुर, जो कि तेलंगाना में है। ओके, देन आपका आता है KMCH कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोयम्बटूर तमिलनाडु। एंड द लास्ट इज श्री आदि चुंचना निगरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि कर्नाटका में है। और अगर हम इसका NIRF स्कोर देखें, सो दैट इज़ 38.58। तो यहाँ पर हमने यू नो टॉप 75 जो है हमारे फार्मेसी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हम लोग ने देख लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि इन टॉप 75 में से अगर आपको कोई यू नो यूनिवर्सिटी पसंद आई, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
सो लेट अस नो, वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. उसमें हम सारे 5-6 फैक्टर्स जो है, पैरामीटर्स, वो कवर करेंगे. फैकल्टीज हो गया, फैसिलिटीज हो गया, एलुमनाई कौन कौन से थे, देन रिक्रूटमेंट फैक्टर्स, कौन कौन सी टॉप कंपनीज है जो यहाँ पे आपको रिक्रूट करने के लिए आती है. सो ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. सो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, सबके साथ में शेयर कीजिए. एंड See you in the next video. Do not forget to like, share and subscribe. Student Khabri, thanks for watching.